हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी तक जो है मुझे फुर्सत नहीं मिली है आराम करने की। बस थोड़ा सा आराम अब करूँगी क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, पूरी रात और उसको इतनी खांसी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। सुबह मैं थोड़ा सा 1 घंटे बाद जो है लेट उठी थी और थोड़ा सा आराम मैंने तभी किया था जब उसे नींद आई। और उस सुबह के टाइम सोया था अपने पापा जी के पास जाकर, जब माँ ने उसे थोड़ी सी चाय पिलाई थी और थोड़ी सी दवाई दी। रात में मैंने 3 बार भी उसको दवाई दे दी थी, 4-4 घंटे बाद मैं दवाई देती रही, गर्म पानी पिलाती रही इसको बार बार, क्योंकि उसने शाम के टाइम से कल से कुछ नहीं खाया था आज सुबह के 8 बजे तक। और डॉक्टर के यहाँ पर जाने से पहले ही उसने थोड़ी सी चाय पी थी, बस अदरक वाली चाय, तेज पत्ती वाली, बस वही खाया था उसने और कुछ नहीं उससे खाया जा रहा है, क्योंकि उसे उल्टियाँ रात में बहुत ज़्यादा हुई, 4-5 उल्टियाँ जो हैं उसे एकदम जो है बहुत ज़्यादा। हम भी घबरा गए थे, फिर उसे उल्टियों की दवाई मंगाई अभी ने ला कर दी और तब उसकी उल्टियाँ रात को बंद हुई थी। तो रात जो है उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हम सबको, बस वो भी परेशान था, वो क्या जानबूझ कर रहा था, बस उसकी तबीयत ऐसी थी। तो जी डॉक्टर ने कहा था 5 दिन की दवाइयाँ दे दी हैं, अभी 5 दिन में उसको जो है बिल्कुल आराम लग जाएगा। ये दवाइयाँ मुझे टाइम पर देनी है, 5-6 दवाइयाँ हैं उसकी, जो कि 3 टाइम हैं और 2 शीशी हैं उसकी, 2 टाइम है सुबह शाम की, और बाकी सब दवाइयाँ जो हैं 3-3 टाइम है। तो दवाइयों का मुझे ध्यान रखना है सब की, और उसके अलावा गुड्डू, चिंकी, चिंकी का कान चीज रात, तो थोड़ी बहुत दिक्कत जो है फैमिली मेम्बर सबको है। और अभी गुड्डू के पापा भी रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने खाना खाया था डॉक्टर के आने के बाद में, फिर वो बोलने लगे कि मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है, मौसम का है या कुछ साइड इफ़ेक्ट बुखार का है बॉडी में, पता नहीं क्या है। और थकान चेहरे पे इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बॉडी में भी है, चेहरे पे क्या, चेहरे पे तो दिखने लगती है, क्योंकि रात भर में सो नहीं पाते हैं, दिन में काम करते हैं, ऊपर नीचे दवाई ऐसे देनी उसे देनी पूरा दिन, और मैं और माँ लगे रहते हैं। आज तो चिंकी ने भी हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की मना करने के बावजूद। और आरुष को अब मैंने दवाइयाँ देने के बाद में बड़ी मुश्किल से सुलाया है, वो बोला था मम्मी आप मेरे पास लेट जाओ, तो अब मैं थोड़ी सी देर उसी के पास में लेटूंगी, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पास रहता है ना तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और पूरी रात से 2 रात से मैं भी नहीं सो पाई हूँ उसके वजह से, और उसकी नींद कहाँ आती है जब बच्चा खांसता रहता है, प्रॉब्लम में होता है, तो एक माँ को नींद नहीं आती है बिल्कुल भी, वो भी ऐसे ही जागती रहती है। मैं पूरी रात उसे लेकर, रात तो मैं रोने भी लगी थी, और ये बोले कि सुबह डॉक्टर के यहाँ पर ले चलेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खांसी है। और डॉक्टर ने उसे एलर्जिक खांसी बताई है, मतलब ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे खुजली होती है ना अंदर, एलर्जी हो जाती है नली पे खांसते खांसते, तो वही उसको हुआ है। तो चलो जी आराम लग जाएगा, 5 दिन की दवाइयाँ दे दी है, फिर जाएंगे लेकर डॉक्टर के यहाँ पर, और उसको जल्दी से ठीक हो जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद और दुआएं साथ में रहेगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा, ये बीमारी, हरी बीमारी सब कुछ हम जो है पार कर लेंगे। तो चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हम भी रेस्ट कर लेते हैं और शाम के टाइम मिलते हैं। और अभी हमारे यहाँ का मौसम का हाल है कुछ ऐसा, रात के टाइम बारिश हुई थी और सुबह के टाइम फिर बारिश हुई थी, लेकिन अभी बारिश जो है रुकी हुई है। और नंदनी को जो है पिताजी ने ले लिया है, पिताजी को थोड़ा सा आराम मिला है अभी। और देखिए सब लोग अंदर हैं, फर्श सूख चुका है पूरा आंगन, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो पसीने आने शुरू हो जाते हैं, इतना घोट हो रहा है बहुत ज़्यादा। रात के टाइम में ठंड होती है, कूलर पंखे सब बंद करने पड़ते हैं, और दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब कुछ जो है मौसम की वजह से ही हो रहा है, मौसम अदला बदली हो रही है, और ये सब कुछ जो है वायरल फीवर जो चल रहे हैं ये शायद मौसम की वजह से, मौसम में मच्छर जो होते हैं इस टाइम में, दिन में भी मच्छर काटते हैं, तो उसी की वजह से अदला बदली की मौसम की वजह से ही ये वायरल फीवर चल रहे हैं, लेकिन कमजोरी इतनी ज़्यादा छोड़ रहे हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आरुष के पापा लेटे हुए हैं और यहाँ पर आरुष को मैंने सुला दिया है, अब मैं भी इसके पास ही लेटूंगी। और इस टाइम जब पंखा चलता है ना तो उसके नीचे लेटकर ठंड लगती है और इसे बंद करना पड़ता है। हेलो नंदनी, हेलो जी, राम राम जी बोलो सबको। आज इन सारे के सारे बच्चों ने नहाया और अपने बालों को वॉश किया, और अब मैंने इनके बालों में तेल लगा के कंघी कर दिया है। सबसे पहले मैंने गुड्डू के बालों में तेल लगाया कंघी की, फिर प्रीति के, और अब बारी आ गई है चिंकी के, और फिर करूंगी मैं अपने बालों में कंघी। आरुषि और नंदनी तो खुद कर लेती है, छोटे छोटे है बाल हैं। चलो फटाफट से कंघी करवा लो। और उधर आरुष बैठा है, अभी उसने दवाई दी है खांसी की, उसे खांसी उठ रही थी।
अपने बालों में तेल लगा रही है। मालिश करिए नंदनी, अपनी मालिश करिए। देख आप सी अर्जा नंदनी, अपनी मालिश करिए, कर ले जंपिंग कर ले, बड़े तो करिए। हेलो तो कर दो एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, 3:30 बज गए हैं दोपहर के। अब जाकर जो है थोड़ा सा रेस्ट मिला है, बस अब चाय बनेगी, सबको चाय पिलाई जाएगी। और उसको भी आज मैंने अभी दवाई दी थी, उससे पहले मुझे टाइम नहीं मिला, बारिश आ गई थी बीच में। तो जी मुझे एक बंदर दिखाई दिया था आसपास में, मैंने सोचा कपड़ों को एक बार देख कर आते हैं, नहीं तो कपड़ों के साथ तो ये बहुत बड़ा जो है खिलवाड़ कर लेते हैं। नए कपड़े वैसे हैं बच्चों के, और कपड़े नए हों या पुराने हों फिर भी ध्यान तो रखना चाहिए, पहले भी कई बार नुकसान कर चुके हैं। है नज़दीकी तो नहीं बोल रही थी मैं, है देखा आपने पेड़ों में छुप गए, पेड़ों में इन वालों में पत्तों में छुप रहे। अच्छा नहीं हिल तो रहा पत्ते, उधर हिल रही टहनियाँ, टहनियों एक आधी लगी भी नहीं गुलेल, अग्निशमन फेल हो गया। फेल जरा सा चूक गया। अच्छा नहीं तो लगनी थी उरा उरा उरा, देखो उरा देखो देखो कैसे निकला गेट के, एक और गेट के ऊपर देखो मेरे। देखो कितना डेट करे है, मतलब वहां तक भी झिझकी दे रहा अनुको, आऊं यहीं से ये देखो वो वाला चुप गया उसके नीचे जो गया। और मम्मी आई है अभी छत पे कपड़े उतारने के लिए, सारे कपड़े सूख चुके हैं। और ये बंदर आते हुए और पापा जी गुलेल लेके आए हैं साथ में। अभी ना बहुत सारे आ रहे थे चारों तरफ से, इधर भी थे, चारों नहीं तीन तरफ थे, चारों तरफ गलत कह रहा मैं, सामने की तरफ नहीं थे बस। और मैंने निशाना लगाया ना एक, थोड़ा सा बच गया। वैसे बंदर जो है ना बहुत चलाक हैं, वो लगने नहीं देंगे, भले ही मैं बहुत निशानेबाज बनता फिर हो जाऊँ, लेकिन वो अपने आप को बचा लेंगे खुद भी। लेकिन क्या है कि इससे थोड़ा सा डर जाते हैं, ये ना फेंक के लगते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि हाँ ये कोई बड़ा हथियार है, और इससे थोड़ा सा डर जाएं, भाग गए फिलहाल तो, दूर बैठे थे थोड़े थे। और मम्मी आई है उतारने के लिए थोड़ी, अरे नहीं मम्मी जी बंदर आ रहे कभी पाड़ पूरी दे, डर यूं। और पापा जी लगा रहे हैं निशाना और ये जाने लग रहे। एक ने अपना ईट के पीछे मोर्चा संभाल रखा है, और यहाँ पर मम्मी कपड़े बिल्कुल मत छोड़ना, कभी ले ना जाए हमारे कपड़े। है सुहानी हवा ठंडी ठंडी, और नीचे से नंदनी हमें पुकार रही है, वो देखो वो बैठी पिताजी के साथ। पापा जी देखो, वो देखो पापा जी सूखे हुए कपड़े मैंने नीचे डाल दिए हैं, और बंदर भी इन्होंने भगा दिए हैं चारों तरफ से, चारों तरफ बैठे थे इधर उधर मंडेरों पे। और ये जो थोड़े से गीले कपड़े हैं उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया है, अभी इनमें हवा लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे, इन्हें थोड़ी देर में ले जाऊँगी। जो कपड़े मैंने नीचे डाले हैं उनकी अब तय बनाऊँगी, लगाऊँगी उन्हें, और जो प्रेस के हैं वो अलग रख दूँगी। तो छीधे छीधे है करके मैंने सुखा दिए हैं कपड़े, दोबारा से अलट पलट के जल्दी सूख जाएंगे। वैसा तो इधर से बादल आ रहा बहुत तेज, हवा बहुत बढ़िया लग रही है, यहाँ नीचे जाने को जी नहीं कर रहा अभी, पर क्या करें नीचे के काम भी करने हैं। चलो फिर खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। ये काय, हाँ काय का नाश्ता कर रही है, ये वो है छोले नंदनी। अच्छा मतलब छोले मसाला खा रही, खाली छोले मसाला गल रहे बढ़िया। हाँ अच्छे लग रहे, जरा सा अच्छे लग रहे, बारीक सा करके दे दूँ, दिन में भी नहीं छका दिया थे। हाँ पानी भी पिएगी, मिर्च है नहीं। अच्छा अच्छा मिर्च नहीं है, मिर्च नहीं है जो है खा लिया है नंदनी। ये 5 बजे का नाश्ता कर रही शाम का। और उस माँ क्या कह रही है, नु कह रही सरकार मैडम का तो पता लग जाएगा जब स्कूल में जाया करेगा। माँ अभी तो ड्राइवर बनना, अब नहीं किसी की सुनना, ये गंदे कर दोगे तुम तो भाई कोई फायदा नहीं होनेगा इन्हें धोएगा है, गाड़ी चलाओगे इन पे बैठ के तकियों पे, इन्हें तो गंदे कर दोगे तुम। मतलब 2000 रुपए हैं, 2000 रुपए की आवे गाड़ी। कौन सी 2000 रुपए की? कौन सी आवे 2000 की? उसके गेट हो गए और उसके पहिए हो गए और उसके बड़े पहिए हो गए, उसके बताऊं चला के दिखाता हूं गाड़ी के। अच्छा 500 की आती है, 500 हजार की। गुड्डू
क्या कर रही? होमवर्क कर रही? आँख सी खुल गई कुछ? आराम है अब? अच्छा, पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। ठीक है, चलो।